हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। शिक्षक तो बहुत देखे होंगे और उनके बारे में सुने भी होंगे। कुछ शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और कुछ शिक्षकों को अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा गया। आइए आज हम बात करते हैं हजारीबाग के एक ऐसे शिक्षक जिनको 2018 में झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मान मिला है। शिक्षक महेंद्र कुमार उस वक्त कुरकुरे लेज टॉफी के रैपर को किताब का रूप दे दिए थे और उन्हीं रैपरों से बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का जरिया बनाए थे और आज उनसे छात्र बहुत ही कम समय में अंग्रेजी बोलना सीख गए। शिक्षक महेंद्र कुमार 2015 में यह प्रयास किए थे। YouTube पर उनके इन प्रयोग को देखकर प्रखंड स्तर पर शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित किया और बेहतर शिक्षा के लिए उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने भी सम्मानित किया है कि कोविड काल के बाद बच्चे जब विद्यालय में आए तो एक लर्निंग गैप बच्चों में आया है, ये देखने को मिल रहा है। और उस लर्निंग गैप को समाप्त करने के लिए और उसकी मानसिक स्थिति में एक अलग परिवर्तन करने के लिए हमने रैपिड लर्निंग एक्टिविटी की शुरुआत की है। रैपिड लर्निंग एक्टिविटी में बच्चे बहुत तीव्र गति से सीखते हैं। लर्निंग एक्टिविटी जो यह जो आप मान सकते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म है या बाइट साइज लर्निंग उसको हम कह सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की प्रवृत्ति को हम इस विधि में लाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल के द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया था, क्यों किया गया था, वो क्या था? जी, राज्यपाल द्वारा हमें जो सम्मानित किया गया था उसमें था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत ज़्यादा अंग्रेजी से डरते हैं तो अंग्रेजी के पुस्तकीय ज्ञान से वो भागना चाहते हैं, इसलिए हमने विभिन्न प्रकार के जो रैपर होते हैं, कुरकुरे रैपर होते हैं, चाहे बिस्किट का रैपर हो या किसी अन्य वस्तु का भी रैपर हो, उसके माध्यम से हमने अंग्रेजी के स्पेलिंग को बोलने के लिए उसकी क्षमता को हमने बढ़ाने के लिए यह कार्य किया था। और यह नवाचार हमारा बच्चों